Environ Life Science Limited, partnering for life. हेलो, प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स पर इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। इस सर्जरी के कौन कौन कैंडिडेट्स होते हैं, किसको करवानी चाहिए, इसका रिकवरी पीरियड कैसा होता है, इसके अंदर कैसा स्कार आता है, इसके क्या क्या मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर सकता है या नहीं, इसके रिगार्डिंग चीज़ों के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी किसको जरूरत होती है और इसके इंडिकेशंस क्या हैं। सुन, इसमें ध्यान रखना होता है, पेशेंट्स यूजुअली जो इसके कैंडिडेट्स होते हैं उनके ब्रेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं। अब ये ब्रेस्ट इतने बड़े नॉर्मली अपने आप डेवलपमेंट हैं यंगर एज पे कि एडोलेसेंस में या आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और वेट गेन के बाद इनके साइज काफी बड़ा हो सकता है। सो जब ये साइज हो जाता है तो इसके बाद पेशेंट्स को यूजुअली शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन या इनके जो ब्रेस्ट फोल्ड में स्किन में एक्सेस स्वेटिंग की वजह से और हेवीनेस की वजह से और स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम्स ना भी हो लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और एम्बैरेसमेंट फील होती हो पब्लिक में जाने में और कई कपड़े पहनने में एंड दे बिकम कॉन्शियस अबाउट ब्रेस्ट साइज, तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि इनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए बिकॉज इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हद तक अफेक्ट हो रही है साइड ब्रेस्ट के साइज की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल इसके बाद जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि सर ये सर्जरी कितनी बड़ी है, इसमें स्कार आएगा और इसका रिकवरी कैसा होगा। तो सबसे पहली बात, ये ब्रेस्ट सर्जरी जो रिडक्शन सर्जरी है ये डे केयर प्रोसीजर होता है, इसको आप सुबह करा के शाम को घर जाते हैं, इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें दो टाइप के प्राइमरीली स्कार आ सकते हैं, एक होता है लॉलीपॉप स्कार, में स्कार जो होता है आपके पल एरियोला के अराउंड होता है और साथ में एक पतली लाइन ब्रेस्ट फोल्ड में रन कर रही होती है। इसके अलावा दूसरा स्कार जो होता है वो होता है इनवर्ट पी स्कार, जिसमें लॉलीपॉप स्कार तो होता ही है, इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल स्कार होता है जो आपके ब्रेस्ट फोल्ड में लाई करता है। डिपेंड करता है कि रिडक्शन कितना बड़ा है, अगर बहुत ज्यादा रिडक्शन किया जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्वर्टेड टी स्कार होता है, अगर छोटा रिडक्शन है। अपार्ट फ्रॉम द साइज, स्किन की क्वालिटी जो ब्रेस्ट की होती है वो भी डिटरमिन करती है कि आपका कौन सा स्कार पैटर्न होगा। अगर किसी स्किन क्वालिटी अच्छी है, टाइट है, इलास्टिक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिडक्शन करने के बाद वो काफी श्रिंक कर जाएगी, तो इसमें इन्वर्टेड टी स्कार या एंकर स्कार देने की जरूरत नहीं, लॉलीपॉप स्कार दे। सेकंड थिंग, अगर स्किन काफी लूज इन इलास्टिक और काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो जैसे एज के साथ हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट ये जो भी स्कार होते हैं इवेंचुअली दे सेटल डाउन, दीज स्कार्स बिकम इम्परसेप्टेबल बाय अराउंड 6 to 9 months एंड आफ्टर दैट द पेशेंट कैन हार्डली नोटिस देम, देन उनका स्कार से अटेंशन हट जाता है बिकॉज वो समझ जाते हैं दैट कि ये चीज़ हमको प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। फाइनली एक और सवाल सर्जरी के रिगार्डिंग होता है कि था कि सर्जरी डे केयर होती है, आप सुबह करा के शाम को घर जा सकते हैं, तो इसके बाद ज़्यादा दर्द नहीं होता है। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखता है जब तक उसमें सारी हीलिंग ना हो जाए। इसके अलावा 3 हफ्ते तक आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, 3 हफ्ते के बाद आप जिम जा सकते हैं और जो मर्जी करिए। फाइनली 80-90% ऑफ द टाइम पेशेंट्स नॉर्मली जाके ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं, 10-20% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स लाइक लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, अगर आप ब्रेस्ट सर्जरी ना भी करवाएं तब भी जनरल पॉपुलेशन में 10% लोगों को आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होने का मतलब कि जब हम करंट टेक्निक्स के साथ सर्जरी करते हैं तो वी प्रिजर्व जितने भी कनेक्शंस होते हैं निप्पल के ग्लैंड के साथ, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, पेशेंट्स जाके नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज अगेन अगर आप सर्जरी ना भी करवाएं
तब भी आपको आगे जाके ये इशू आ सकता है। ये सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है, क्या आप हैप्पी होंगे, क्या आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सो दिस इज अ स्टैटिस्टिक बिकॉज ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें पेशेंट यूजुअली बहुत ज्यादा रिलीव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। इसके अलावा उनके जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्जरी से पहले प्लास्टिक सर्जन एंड पेशेंट दोनों समझ पाएं कि ये सर्जरी क्यों करी जा रही है, तो यूजुअली पेशेंट बाद में जाके 100% एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड रहते हैं। फाइनली आपको 2 हफ्ते पहले स्मोकिंग एंड अल्कोहल और या आप कोई हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो तो रोकना जरूरी है, एंड दिस सेम थिंग हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 4 वीक आफ्टर द सर्जरी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।